ध्यान देने योग जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकालकर आप इसे जरूर सुने। नंबर एक है, मस्सों को जड़ से हटाने के लिए लहसुन का पेस्ट बना लें और रोज मस्सों पर लगाएं। एक महीने में मस्से जड़ से खत्म हो जाते हैं। नंबर दो है, एक चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदे कैस्टर ऑयल की डालें, फिर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसको जहां मस्से हो रखे हैं वहां पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। फिर एक घंटा बाद पानी से धो लें। धीरे धीरे मस्से जड़ से खत्म हो जाते हैं। तीन है, अगर आपके छोटे बच्चे की लंबे समय तक ठंड जुकाम नहीं जा रही तो आज हम आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे। एक लोहे का तवा लीजिए, उसको चूल्हे या गैस पर गर्म कर लीजिए। उसके बाद में सूती का साफ सुथरा कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को तवे पर रखकर हल्का सा गर्म कीजिए। ज्यादा गर्म कपड़े को नहीं करना है, हल्का गर्म कीजिए। जब वो कपड़ा हल्का सा गर्म हो जाए तो पहले अपने हाथ से टच करके छू के देख लीजिए, कपड़ा ज्यादा गर्म तो नहीं है। फिर बिल्कुल हल्के हल्के गर्म कपड़े से छोटे बच्चे की छाती पर और पसलियों पर सिकाई कीजिए। ये आपको शाम के टाइम रात में सोते वक्त करना है। बच्चे के दो तीन दिन में ही ठंड जुकाम सब गायब हो जाएगी। ये उपाय मेरी मम्मी करती थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। बच्चे को अगर ठंड लगी है, सर्दी जुकाम है तो बहुत ही फायदा मिलेगा। बच्चा है, बैठे रहने की बजाय ज्यादा से ज्यादा खड़े रहने की कोशिश किया करें। नंबर पाँच है, मेथी दाना खाने से घुटनों का दर्द और सीने की तकलीफ दूर होता है। नंबर छह है, दूध में शहद मिलाकर पीने से नजर तेज होती है। नंबर सात है, अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर आठ है, लिकोरिया को जड़ से खत्म करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट सात बादाम खा लें, इससे लिकोरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। नंबर नौ है, सर में सरसों का तेल लगाना चाहिए, ये तेल बालों को सफेद होने से बचाता है। नंबर दस है, चेहरे पर फुंसियाँ हो गई है तो थोड़ी देर बर्फ के टुकड़े से मसाज कर लें, आपको फायदा मिलेगा। नंबर ग्यारह है, रात और दोपहर के खाने के बाद एक लहसुन खा लें, इससे आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा। नंबर बारह है, बालों को बांध कर रखने से दिमाग को ताकत मिलती है और बाल भी कम झड़ते हैं। नंबर तेरह है, ज्यादा टेंशन लेने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि खून के थक्के जमने लग जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आ जाता है। नंबर चौदह है, जब मोबाइल फोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए तब फोन को ना सुने, उस समय रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा होता है, जो हमारे दिमाग को भी बीमार करने के लिए काफी है। नंबर पंद्रह है, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर रोजाना चुकंदर का सेवन करना चाहिए और खजूर भी खानी चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नंबर 16 है, दो चम्मच नारियल के तेल में दो विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर स्ट्रेच मार्क्स पर हल्के हाथों से मालिश करने से बहुत ही फायदा मिलता है। नंबर 17 है, कीवी में भरपूर फाइबर की मात्रा होती है, इसके सेवन से कब्ज जैसी बीमारी नहीं होती है, इसलिए हमको रोज इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 18 है, वजन घटाने के लिए एक गिलास पानी में 5 से 6 नींबू के छिलके, एक चम्मच जीरा डालकर 10 मिनट के लिए उबाल लें और ठंडा होने के बाद पी लें, इससे आपके पेट की चर्बी कम होने लग जाती है। नंबर 19 है, नमक ज्यादा खाने से बालों को झड़ना शुरू हो जाता है, किडनी में सूजन आ सकती है, साथ ही आप चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, इसलिए हमको नमक कम खाना चाहिए। नंबर 20 है, आंवला का रस और बादाम का तेल दोनों को मिलाकर रात में सर की मालिश करने से आपके बाल धीरे धीरे काले होने लग जाएंगे और झड़ेंगे भी नहीं। नंबर 21 है, अगर आपने रात को ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है तो उसके ऊपर से एक केला खा ले, बहुत ही फायदा मिलेगा। नंबर 22 है, अगर आपको लीवर को स्वस्थ रखना है तो सुबह चुकंदर का जूस पिया करें, इससे लीवर स्वस्थ रहता है। नंबर 23 है, खाना खाने के साथ कच्चा प्याज जरूर खाएं, ये आपका पाचन तंत्र ठीक रखता है और दिल से जुड़ी समस्याएं भी नहीं होती है। नंबर 24 है, 40 की उम्र के बाद महिलाओं की स्किन नेचुरल नमी खोने लगती है, इसलिए जब भी आप मुंह धोएं या नहाएं अपने चेहरे की मॉइस्चराइजिंग जरूर करें, इससे आपके चेहरे की स्किन लंबे समय तक जवान दिखेगी। नंबर 25 है, अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए तो थोड़ा सा गुड़ खा लें। नंबर 26 है, यदि आपके पांव से गंदी बदबू आती है तो एक नींबू का रस निकाल लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा डालें और पैरों को डुबोए रखें, इससे पांव की बदबू नहीं आएगी। नंबर 27 है, अगर आपके बल्ब के पास मोरपंक लगा दी जाए तो वहां पर छिपकलियां कभी नहीं आएंगी। नंबर 28 है, भिंडी के साथ रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। नंबर 29 है,
गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती दूर हो जाती है। नंबर 30 है, आंसू रोकने से सर दर्द, गुस्सा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो सकती, इसलिए कभी भी आंसू नहीं रोकना चाहिए। नंबर 31 है, ज्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है और कई बीमारियां भी लग जाती हैं। नंबर 32 है, यदि आपके हाथ पांव में कंपन होता है तो रात में खाने के बाद 2 लौंग चबाकर गर्म पानी पी ले, यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 33 है, जिन बच्चों की आंखें भूरे रंग की होती है उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। नंबर 34 है, अगर आपके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाए तो खाली पेट प्याज और शहद को मिक्स करके खा ले, फायदा मिलेगा। नंबर 35 है, बेल का शरबत पीने से आप सभी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नंबर 36 है, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आपको बकरी का दूध पीना चाहिए। नंबर 37 है, यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी पीना फिल्टर हुए पेट में चला जाता है, जिससे हमको नुकसान होता है। नंबर 38 है, स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से खून साफ होता है। नंबर 39 है, कद्दू हमको रोज खाना चाहिए, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 40 है, छींकने लगे तो सर को झुका लो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। नंबर 41 है, दही को पेट के लिए अमृत माना जाता है, इसलिए रोज दही खाना चाहिए। दही आंतों को और पेट की गर्मी को दूर करता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। नंबर 42 है, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है, मूली खाने के बाद यदि गुड़ खा लिया जाए तो खाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है।